क्या वाकई दुनिया बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक महीने का ही वक्त बचा है? दरअसल दुनिया पर महाविनाश की घंटी बजने लगी है, जो दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बन गई है। नासा ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि आने वाले 29 अप्रैल को दुनिया बदल सकती है। अप्रैल में अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड हिमालय जितना बड़ा बताया जा रहा है। नासा ने इस एस्टेरॉयड के धरती के बेहद करीब से गुजरने की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो महाविनाश होगा। हो सकता है कि दुनिया से पूरी मानव सभ्यता का ही अंत हो जाए। अरबों साल पहले हुआ था महाविनाश। अरबों साल पहले जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया था तब डायनासोर युग का अंत हुआ था। 2020 में ऐसा ही डर, ऐसा ही खौफ एक बार फिर पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ी है। सुपर पावर अमेरिका तक घबराया हुआ है, क्योंकि नासा ने पुष्टि की है कि ऐसा ही एक विशालकाय एस्टेरॉयड एक बार फिर से धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। दुनिया बदल देने वाली ये तारीख 29 अप्रैल हो सकती है। नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक इसके बाद भी आशंका जता रहे हैं कि अगर इसकी टाइमिंग में कुछ सेकंड का भी अंतर हुआ तो ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है, और तब बहुत मुमकिन है कि इसके बाद डायनासोर की तरह पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाए। 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको के युक्टॉन प्रायद्वीप से एस्टेरॉयड टकराया था, जिससे वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की जांच की तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड की टक्कर से ये चट्टान वाष्प में बदल गई थी, जिसने हवा में धूल का बादल बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि पूरी धरती ठंडी हो गई और एक दशक तक इसी स्थिति में बनी रही। उन हालात में अधिकतर जीवों की मौत हो गई और डायनासोर युग का भी अंत हो गया था। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 29 अप्रैल को पूरी दुनिया बदल सकती है। क्या हमारी ये दुनिया से पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा, या फिर हम लोग रोज़मर्रा की तरह अपने जीवन को व्यतीत करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।